दोस्तों, वेलकम टू WCT। और आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे पोटैटो चीज बॉल्स। पोटैटो चीज और बॉल्स। तो अब थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दें, क्या लिया आपने? ये आलू है, तकरीबन 1 किलो से ऊपर ये आलू है जिसको हमने बॉईल किया हुआ है। ठीक है। ये बॉईल चिकन है, इसका हमने रेशा कर लिया है। और इसके अलावा ये हमारे पास सब्जी में प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए है। ये हरा धनिया है जो इसको मैंने काट लिया है छोटा छोटा करके बारीक, और ये बिल्कुल बारीक करके मैंने हरी मिर्चें पतली वाली जो है वो बिल्कुल बारीक कर दूँ। उसके अलावा स्पाइसेस में हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, पिसा हुआ काली मिर्च है, नमक, और हल्का सा चाट मसाला भी हमने ले लेना है। उसके अलावा चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से क्यूब्स में करके काट लिया है। तो हम छोटे चीज़ बॉल्स बनाएंगे तो हर चीज़ बॉल के बीच में एक क्यूब हो जाएगा। उसके अलावा इनकी कोटिंग के लिए हमारे पास है कॉर्नफ्लावर, 2 अंडे और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स यहाँ मैंने 2 तरह के लिए हैं, एक थोड़े लाइट नॉर्मल से ब्रेड क्रम्स है और एक थोड़े येलो से ब्रेड क्रम्स। मैंने दोनों को मिक्स किया है क्योंकि एक पैकेट खत्म हो गया था, तो हमने इस तरीके से दोनों को मिक्स कर लिया। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोस्तों, आपने इंग्रेडिएंट्स सुना, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ बोलता चलूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सकें। तो चले आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम आलू मैश कर लेंगे। इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, देख लीजिए आलू ज़्यादा बॉयल ना हो, बस थोड़े आप इसको चले। ठीक है दोस्तों, आलू मैश करें, तक वेट कीजिए। फाइनली पोटैटो अच्छे से मैश कर दिए हैं। आप हाथ से भी कर सकते हैं, आप गिलास से भी कर सकते हैं और पोटैटो मैशर से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस बताएं अब आप क्या है। हम इसमें बॉईल की हुई जिसको हमने रेशा किया हुआ वो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। चिकन आपको जितनी पसंद है, ज़्यादा पसंद है कम पसंद, वैसे चिकन अगर ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा टेस्ट ही आएगा इसका। तो मेरा तो सजेशन है कि आप चिकन डालें अच्छी क्वान्टिटी में। चिकन डाल दिया, इसके बाद एक साथ ही इसको मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, मतलब कि सारी चीजें डाल के स्पाइसेस डाल रही है। ठीक है, ठीक है, डाल दे, डाल दे, मसला नहीं। तो जो स्पाइसेस थी वो सारे डाल दिए इसमें, और बाकी ये भी डाल देंगे, प्याज वगैरह जो भी डाल देंगे इसमें। प्याज जो हमारा चॉप किया बिल्कुल बारीक, मुँह में बड़ी प्याज आती है तो वो छीलती है, इसलिए मैंने इसको बहुत बारीक बारीक चॉप किया था। तो उसको ब्लेंडर जो चॉपर होता है वही चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से किया। ठीक है दोस्तों, तो सारा मसाला भी इसमें मिला दिया। तो जितना भी आपको मसाला दिखाया था हम लोगों ने वो इसमें मिला दिया। तो अब हम इसको मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद क्या शक्ल आती है आपको हम वो दिखाते हैं। अब ये आलू जो है वो मैश हो गया है, पूरा मसाला मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो ये अंडा है, अंडे को हम फेंटेंगे और इसमें हल्का सा हम जो है वो नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, बस ज़रा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी अगर इस पे अंडे में डालते हैं ना तो एक टेस्ट अच्छा आ जाता है कोटिंग का भी, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो बेसिकली हमारा मसाला जो है ना चीज़ बॉल्स का वो हो गया रेडी, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कोटिंग की तैयारी करके। कोटिंग में हम लोगों ने अंडे के अंदर नमक और काली मिर्च डाल दी है, इसको फेंट लिए। ठीक है, अब आइए प्रोसेस क्या है थोड़ा सा बताइए। अंडे को फेंट लिए, सब इसमें हम इसके बॉल्स बनाएंगे। सेंटर में सबसे पहले हम डालेंगे चीज़, चीज़ के लिए मैंने बॉल्स बनाएंगे। ठीक है, ये मुझे बेसिकली चेडर चीज़ का जो एक बार होता है ना, ये मैंने उसको कट किया है। आप अपनी मर्जी से इसको लंबे स्ट्रिप्स में भी कट चेडर चीज़ डाल डालिए, आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं अगर आप चीज़ खोलने के शौक नहीं है, लेकिन हमें टेस्ट चेडर का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा बेटर जो है वो चेडर में होती है। मतलब अगर आप मोज़रेला डाल रहे हैं तो आप दोनों डालें, लेकिन अगर एक डाल रहे हैं तो चेडर डाल। चलो दोस्तों, अब आपको असेंबल करके दिखाते हैं। फाइनली अब इसको असेंबल करना बताना स्टार्ट कर चुकी है, बताइएगा। सबसे पहले हमने चीज बड़े से, मैं इसको छोटे बॉल्स बना रही हूँ। मैं छोटे बॉल्स इसलिए बना रही हूँ कि जितने छोटे बॉल्स होंगे ना उतना आपका क्रिस्पी रहेगा। तो आपने बस इसको इतना लगाना है कि ये हाइड हो जाए इस करके। अच्छा, इतना मसाला लें कि ये जो इतना बड़ा क्यूब्स हमने काटा है, अब आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा भी क्यूब्स काटें चीज़ का, इतना आपने मसाला उस पर लगाना है कि ये हाइट हो जाए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पूरी तरीके से कवर होगा तो फिर वो बाहर नहीं आएगी तो फटेंगे नहीं। इस तरीके से हमने
इस तरह से इसको घुमाओ फिर इसको इस तरह से बॉल बना दो। देखने पूरी तरीके से चीज से बिल्कुल हमने छुपा दी है। ये चीज बॉल्स का दोस्तों साइज आया है चीज लगाने के बाद, देख सकते होंगे आप कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये कोटिंग नहीं है इसके ऊपर, अभी सिर्फ हम लोगों ने ये इसका मसाला है, मसाले में चीज इसके बीच में पहुंच चुकी है बेसिकली कोर में इसकी, तो अभी इसकी कोटिंग नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग जब तक ये बॉल्स बना रहे हैं कोटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कोटिंग किस तरह से करनी है। तब तक हम बॉल्स बनाते हैं, तब तक आप वेट कीजिए। फाइनली हम लोगों ने चीज को मटेरियल के अंदर बेसिकली हमारे किसमें हमने इसको लाइक बीच में जो है चीज डाल के इसको हमने बॉल्स बना लिया है। अगर इसकी कोटिंग करेंगे तो कोटिंग के लिए मैंने बता दिया था कॉर्नफ्लावर अंडा और ब्रेड क्रम्स हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे, इसको कोट करेंगे कॉर्नफ्लावर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे हम अंडे के अंदर डिप, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप बॉल्स बना लें उसके बाद आपने पहले कॉर्नफ्लावर में डालना है जो यहाँ रखा हुआ, उसके बाद इसको अंडे में डालना है। अंडे में डालने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स बनाना है, जो कि हम लोगों ने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ब्रेड क्रम्स दो किस्म के हैं हमारे पास, तो इसको ज़्यादा मतलब हार्ड प्रेस मत कीजिएगा इसको कि इसकी चीज़ वापस बाहर आ जाए, बस हल्के हल्के से इसको इसके अंदर आपने रब करना है। अगर शेप खराब हो जाए ना तो मसला नहीं है, जैसे इस पोजीशन पे है हम इसका शेप वापस से होल कर लेंगे, और जो इसमें से एक्सेसिव ब्रेड क्रम होगा वो भी उतर जाएगा क्योंकि बाद में आके उतर ही जाना, तो हम इसको साइड पे रख देंगे। तो दोस्तों ये था कोटिंग का तरीका, तो चले तब तक हम ये कोटिंग कर। फाइनली सारे चीज बस हमारे रेडी हो गए, तो अब आप इसको फ्राई कीजिए, डीप फ्राई कीजिए, शैलो फ्राई कीजिए, खाएं और फिर इसको एंजॉय करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी चीज़ बॉल्स की। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।